हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए एक नया DIY लाए हैं जो बहुत ही आसानी से और आपके कॉरिडोर को बहुत सुंदर बनाएगा। सिंपल सा है, इसके लिए आपको सिंपली स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए आपको सिंपली कार्डबोर्ड के पीसेस, या ये मैंने माउंट बोर्ड के पीसेस लिए हैं, आप वो ले सकते हैं, या जो वुडन प्लैंक, कई बार हम लोग घर में कारपेंटर का काम कराते हैं तो हमारे पास वुडन प्लैंक्स बच जाते हैं कई सारे, तो वो आपको, आप उसमें जो कटिंग्स हैं वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के लंबे लंबे पीसेस आप ले सकते हैं। इसको आप सामने से फ्रंट से ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने प्लेन रेक्टेंगुलर लिया है। तो ये सिंपली इस तरह के पीसेस लेने के बाद आपको जिस तरह से भी, मतलब सपोज आपको, ये मैं 3 पीस का सेट सोच रही हूँ, तो ये मैंने इस तरह से, या सिंगल पीस तो नहीं अच्छा लगेगा, एटलीस्ट मिनिमम 3 पीस तो आपको लेना ही रहेगा। तो आप उस तरह से पीसेस इसमें कट कर लीजिए, 3 पीस, 6 पीस, 7 पीस, जितना भी आपको लेना है आप कट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ग्लू एंड वाटर। अगर आपने 1 स्पून ग्लू लिया है तो एटलीस्ट आपको 2 to 3 स्पून वाटर चाहिए। तो ये लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से आपका मिक्स हो जाए। इसमें ऑलरेडी ग्लास में थोड़ा सा पानी था तो मैंने उसी में इसको मिक्स किया है। तो ये जब अच्छे से आपका, इसके बाद एक टिश्यू पेपर लीजिए। टिश्यू पेपर टेक्सचर आप लोगों ने सभी ने देखा है कैसे मैं इसको बनाती हूँ। इसमें हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसमें हम छोटा छोटा सा प्रेक कर करके, जो सॉरी टियर कर करके इसको लगाएंगे। तो टियर करके लगाने का मेथड मैंने सभी के साथ शेयर किया है। ये तो सिंपली आपने रख लिया इसको, रखने के बाद आपने ऊपर से एक ड्रॉप डाला, ये अपने आप स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा पास पास करके आपको लगाना है। मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद तो ये आपका बहुत पास आ जाएगा। तो ये जो टियर करके कैसे टिश्यू पेपर लगाते हैं वो मैंने आपको बताया। सिंपली नीचे पहले आप मत लगाइएगा, क्योंकि बेस में अगर आपने पहले लगा लिया तो आपको मुश्किल होगी। जस्ट आपने एक ड्रॉप रखा, ड्रॉप रखने के बाद आपने इसको सिंपली जस्ट ब्रश से लगा दिया। तो इस तरह से आप ये पूरा पैनल अपना कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद ये पैनल आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए कितना पास मैंने इसको लगाया है, ये आपको शो हो रहा होगा बहुत प्रॉपरली, मैंने बहुत पास पास इसको किया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको इसमें कलर करना है। कलर आप कुछ भी कलर इसमें कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कलर करना चाह रहे हैं। आप कोई भी, मैं येलो कलर ले रही हूँ। सिंपली अगेन मैं डायरेक्ट ही इसमें कलर में, यस, तो ये देखिए जब भी आप कलर करते हैं तो नीचे कुछ ऐसा शीट बिछा लिया करिए जिससे कि अगर कलर आपका नीचे गिरे तो आपकी टेबल खराब ना होने पाए। अदरवाइज ड्राइंग का काम है तो कलर्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे, तो इसलिए मैं हमेशा कुछ शीट नीचे बिछा के तभी वर्क अपना स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज आप लोग न्यूज़पेपर भी इसमें बिछा सकते हैं। सॉलिड कलर्स हमेशा बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वर्क है, ये आप आराम आराम से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबी हैंगिंग बनानी है तो आप इसको डेली, आप 1 पीस भी अगर रेडी करेंगे, 1 या 2 पीस, तो भी आपको बहुत आराम से, अगर 6 to 7 का आपको बनाना है तो भी आप आराम से 1 वीक में आप बना सकते हैं। मैंने तो क्या किया था, एक दिन सारी कटिंग्स करके रख ली थी, उसके बाद नेक्स्ट डे टिश्यू पेपर स्टिक किया था सब में, थर्ड डे में मैंने इसको सिंपली कलर किया था। तो इस तरह से मैंने अपना ये हैंगिंग स्टार्ट रेडी की है। अब ये हम इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं,
और ये देखिए ये पीसेस मेरे ऑलरेडी मैंने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। देख रहे होंगे कितने कलरफुल पीसेस हैं। और ये भी देखिए येलो कलर, ये भी बिल्कुल डिफरेंट कलर आ गया। तो ये आई थिंक आप लोगों को शो हो रहा होगा, बट सिस्टमैटिक नहीं लिखा हुआ है क्योंकि जस्ट मैंने रैंडमली इसको प्लेस कर दिया है। तो फ्रेंड्स जब तक वो ड्राई होता है तब तक हम इसको अरेंज करते हैं। इसको कैसे अरेंज करना है ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इसमें, जैसे मैंने इसमें लिखा था, यस वेलकम टू आवर कंफर्टेबल हैप्पी समटाइम्स लाउड, बिकॉज सभी के घर में होता ही है ऐसा, यूजली मैसी तो आप लोग जानते ही हैं, सभी का रहता ही है घर, बिकॉज घर है तो मैसी तो रहेगा। फन लविंग जोन, तो हमारा ये रेडी हो गया। वेलकम टू आवर कंफर्टेबल हैप्पी समटाइम्स लाउड सम यूजली मैसी फन लविंग जोन। अब इसको हमें क्या करना है, जस्ट इसको बैक, इसको पूरा पलट देना है। इसको पलट के हमें पीछे इसमें स्ट्रिंग लगानी है। तो पलटने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब चीजें राइट उसमें आए। और साइज देख लीजिएगा आपका सही से आना चाहिए। फिर आप एक, मैंने जूट रोप ली है। जूट रोप को आपको सिंपली नीचे थोड़ा सा आपको छोड़ना है, जिससे कि नीचे हम उसमें कुछ हैंग कर सके। हैंग करने में थोड़ा सा चीजें अच्छी लगने लगती हैं। तो आपको मैनेज करना रहेगा, ये आपने यहां से लगाना शुरू किया तो एक तरफ से आप लगा लीजिए पहले, जिससे कि आपका चीजें प्रॉपर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा। एक्स्ट्रा छोड़ने में बेनिफिट ये रहता है कि अगर कम नहीं पड़ना चाहिए, एक्स्ट्रा होगा तो कट के रिमूव हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा का कोई इशू नहीं है। ये हमारा पूरा हो गया। अब आप ग्लू गन से भी लगा सकते हैं इसको, अदरवाइज अगर आपको ग्लू गन से नहीं लगाना है तो आप सिंपली, मैंने तो ये लिया है जो क्विक फिक्स वगैरह आता है, जो जिससे फटाक से हो जाता है, मैं इसको खड़े होके ही बेटर वे में कर पाऊंगी। ये सिंपली मार्किंग हमारी प्रॉपर हो गई है और ये आप इसको रख दीजिए। ये मैंने इतना एक्स्ट्रा वहां पे निकाल दिया है, इतना एक्स्ट्रा निकालने के बाद ये रख दिया है। और सिंपली अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है, तो आपको, और हाँ मेजरमेंट के लिए ध्यान रखिएगा, 3 फिंगर्स का आप इधर छोड़ के चलिएगा।